ड्राई पान का मुखवास यहाँ पर हमारा बन के तैयार है। इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए और खाना खाने के बाद इसको आप खा सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी से ये बन जाती है। इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। जब भी हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहां पर खाना खाने के बाद हम मुखवास खाते हैं, तो उस मुखवास को बनाना बहुत आसान होता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से मुखवास बनाना बताऊंगी। तो चलिए देर किस बात की, ड्राई पान के मुखवास को बनाना हम शुरू करते हैं। ड्राई पान का मुखवास बनाने के लिए हमें चाहिए सौंफ। तो मैंने यहाँ पर ये मीठी वाली मल्टी कलर की सौंफ ली है। इसमें गुंज पत्ता भी है और इसमें जो खाने वाली सौंफ होती है वो भी है। वो मैंने इस पैकेट में रखी है और ये आपको पान की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमें चाहिए आधा चम्मच मुखमिलास और आधा चम्मच सुगंध। तो मैंने यहाँ पर ये दो तरीके की सुगंध ली है और ये सुगंध आपको पान की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। हो सकता है जगह का फर्क पड़े तो आपको कंपनी दूसरी मिले, पर ये आपको मिल जाएगी। 4 चम्मच गुलकंद, गुलकंद आपको पान की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर 4 पान लिए हैं। थोड़ा सा बेल और आंवले का मिक्सचर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ना मिले तो आप ना डालें और इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी मिंट। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पान के डंठल को काट के फेंक देंगे और पान के जो ऊपर का पार्ट है इसको भी हम काट के फेंक देंगे। और अब हमें पान के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो जिस बाउल में हमने सौंफ रखी है उसी में हम छोटे छोटे टुकड़े करके पान के हम डाल। पानी यहाँ पर हमारा कट गया है तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम डालेंगे आधा चम्मच मुखमिलास। आधा चम्मच कश्मीरी सुगंध डालेंगे। 1/4 चम्मच हम आंवला और बेल का मिक्सचर डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें गुलकंद। तो मैं यहाँ पर ये 4 चम्मच गुलकंद डाल रही हूँ। और अब हम 1 चुटकी मिंट डालेंगे। मिंट की मात्रा हमें ज्यादा नहीं रखनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चुटकी मिंट डाला है, मिंट ज्यादा नहीं डालना है। अगर मिंट ज्यादा हो जाएगी तो मुखवास का टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा और एकदम ठंडा ठंडा टेस्ट लगेगा। तो मिंट थोड़ा ध्यान रख के डालना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चुटकी डाला है और सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई पान का मुखवास यहाँ पर हमारा बनके तैयार है। इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए और खाना खाने के बाद इसको आप खा सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट लगता है। अगर आपके घर में कोई पार्टी हो तो पार्टी में आप खाने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना आसान होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मार्केट में जब हम इसको लेने जाते हैं तो ये काफी महंगा पड़ता है और घर में इसको आप एक बार बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, घर में ही सस्ता पड़ता है। इस मुखवास को आप 5 से 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रखें। बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेसिपी है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ड्राई पान की मुखवास की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जो नए नए वीडियोस लाती रहूंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।